इसमें तो कंसीडर कर सकते हैं एक तो लूप, जिसमें जिस लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये लूप में मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होना चाहिए टेंजेंशियल टू द लूप, मतलब करंट कैसा होना चाहिए, करंट होना चाहिए परपेंडिकुलर टू द लूप। तो करंट जैसे मेरे तरफ आ रहा है, तो अगर मैं ये लूप का सरफेस एरिया देखता हूँ, लूप का जो सरफेस एरिया उसके साथ, लेकिन करंट इस तरह से है, दैट मीन्स इस लूप का सरफेस एरिया के साथ जो करंट का डिरेक्शन है ये हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि लूप को कैसे लेना है कि आई जो, ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड शुड बी टेंजेंशियल टू द लूप। इसका मतलब है जैसे करंट समझ लो मेरे तरफ आ रहा है, तो मेरे तरफ करंट का मतलब है कि इफ दिस डायरेक्शन में करंट अगर है मेरे थंब के डायरेक्शन में, तो राइट हैंड थंब रूल अगर यूज करते हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो, लेकिन इस सरफेस एरिया में देखा जाएगा, तो अगर इस सरफेस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड होगा इस तरह से, कोई भी पोजिशन में अगर देखा जाए, दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी टेंजेंट टू दिस सरफेस एरिया। तो बी शुड बी टेंजेंशियल टू द सर्कमफेरेंस लिख सकते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ द लूप। ये दो कंडीशन में हम लोग एक तो लूप अगर कंसीडर करते हैं, तो ये प्रूव करके दिखाया जा सकता है, लेकिन ये प्रूव हम लोग का नहीं है अभी इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन दूसरा चैप्टर में है, ठीक है। जो मैक्सवेल्स का थ्योरम है उस जगह में ये थ्योरम का थोड़ा सा प्रूफ है। इसका जो लाइन इंटीग्रल है, दिस इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल, इसका लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई एनक्लोज्ड डॉट कैपिटल एल इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई एनक्लोज्ड। यहां पे कैपिटल एल का मतलब क्या है, कैपिटल एल का मतलब हो गया द लेंथ ओवर व्हिच वी आर यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ। ये एक लेंथ है, तो यहाँ पे हम लोग का इंटीग्रेशन करने का कोई जरूरत नहीं है, सो दैट्स व्हाई इसको इस तरह से सिंपल वे से हम लोग लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग लूप, और इट मे बी ए लाइन, कुछ भी हो सकता है जैसे मतलब जरूरत पड़ेगा। सो दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू करंट इनक्लोज्ड विद इन दैट लूप और विद इन दैट पोर्शन, ठीक है। कौन सा कारण लेना पड़ेगा, वही कारण लेना पड़ेगा विच इज परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ द लूप, अगर देखेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा, ठीक है। तो ये कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन हम लोग इतना मोटा बनाए, इतना बड़ा बनाए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहां से कुछ भी रेडियस हो इस पॉइंट में, समझ लो दिस इज ए पॉइंट पी, तो पॉइंट पी में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, पॉइंट क्यू इधर अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो क्यू में भी वही मैग्नेटिक फील्ड होगा, एंड इस सर्कमफेरेंस में लाई कर रहा है जो भी पॉइंट है उसमें, लेकिन सेम मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, ठीक है। अब ये टोटल आई करंट जो ले जा रहा है, ये आई करंट जो है ये समझ लो पूरा सर्कमफेरेंस में है। तो हम लोग को निकालना है ये जो हम लोग लूप पकड़े हैं इसके अंदर में कितना करंट है, ठीक है। तो इसमें सिंपल यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैरीज करंट आई, तो वन यूनिट कैरीज करंट आई बाई पाई आर स्क्वायर, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर इसका जो एरिया है दैट कैरीज करंट आई बाई पाई आर स्क्वायर पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर,
यहाँ पे पाई पाई कैंसिल हो गया, तो दैट मीन्स ये स्मॉल एरिया में जो करंट एनक्लोज्ड है, दिस इज एक्चुअली करंट एनक्लोज्ड। यहाँ पे बोल सकते हैं आई एनक्लोज्ड इज इक्वल टू आई स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये हो गया करंट एनक्लोज्ड विद इन दिस स्मॉल एम्पेरियन लूप, ये हो गया एम्पेरियन लूप में जो करंट एनक्लोज्ड है, ठीक है। अब अगर हम लोग एम्पियर का थ्योरम लगाते हैं, एम्पियर ने जो बताया उसको अगर यूज करते हैं, तो इसमें जो बी, सो दिस बी इंटू बी इंटू, पहले इस तरह लिख रहे हैं ताकि फॉर्मूला टू याद रहे कि बी इंटू एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। सो दिस इज द फॉर्मूला। अब इसमें बी मतलब हो गया ये बी का वैल्यू निकल जाएगा, एल हो गया जो इसका लेंथ है, सो दैट इज लाइन इंटीग्रल। तो ये एम्पिरियन लूप का लेंथ कितना हो जाएगा, दैट विल बी टू पाई स्मॉल आर, टू पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज, तो करंट एनक्लोज है इतना, सो दैट इज आई स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये एक टू आर एक टू स्मॉल आर कैंसिल हो जाएगा, तो बी का वैल्यू क्या आएगा, बी इक्वल टू आएगा म्यू नॉट आई by 2 pi capital R square into small r। एक एक पर्टिकुलर एक वायर का क्रॉस सेक्शन के लिए ये चीज लिखें और करंट के लिए ये चीज कांस्टेंट हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे ये आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, ये चीज आ रहा है, ठीक है, बिकॉज दिस थिंग इज ए कांस्टेंट। इसका मतलब है कि जब भी हम लोग लूप के अंदर में मतलब कंडक्टर का सरफेस के अंदर में आ जा रहे हैं, तो उस समय मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, प्रोपोर्शनल टू उसका जो डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस अगर छोटा होते 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 एकदम सेंटर में आ गया, तो इसका मतलब सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड आर विल बी जीरो, तो सेंटर में लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, लेकिन जैसे जैसे इसका डिस्टेंस बढ़ रहा है ग्रेजुअली, ये आर जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और अगर इस स्मॉल आर का वैल्यू अगर कैपिटल आर हो गया, मतलब अगर यहां पे लेते हैं कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द जस्ट एट द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस कंडक्टर, ठीक है, ये तो हो गया कंडक्टर के अंदर में, ठीक है, लेकिन अभी कंडक्टर का सरफेस में अगर लेते हैं तो यहाँ पे वी हैव टू पुट कैपिटल आर। तो अगर कैपिटल आर पुट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, म्यू नॉट आई बाई टू पाई कैपिटल आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड एट द सर्कमफेरेंस। अब इस अंदर में करंट एनक्लोज्ड कितना हो जाएगा, तो आई एनक्लोज्ड इस केस में आई ही होगा, क्योंकि इस लूप में एक्चुअली कितना करंट आ रहा है, जो इसके अंदर में करंट है जो मेरे तरफ आ रहा है परपेंडिकुलर है इस लूप से, बी ये बी हम लोग फाइंड कर रहे हैं, हर एक पॉइंट में सेम बी होगा एक कंडक्टर के बाहर में, एक पर्टिकुलर सर्कल वाइज देखा जाए तो। अब जो यहां पे एल होगा, एल विल बी टू पाई आर, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट, अब इन दिस केस आई एनक्लोज्ड इज आई, तो बी इक्वल टू आ जा रहा है म्यू नॉट आई बाई टू पाई स्मॉल आर, व्हिच इज एक्चुअली द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो बेसिकली हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि दिस रूल इज एप्लीकेबल Only in the case where इस conductor का जो cross section finite है, लेकिन इसका जो length है, so that length is infinite, कोई end effect नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि magnetic field जो है, ऐसे बोल सकते हैं कि mu naught I by 2 pi, हाँ ठीक है, तो it will be, so magnetic field is proportional to 1 by R हो जा रहा है, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग एक तो कर्व में प्लॉट करते हैं तो देख रहे हैं कि ये B1 जो है, B1 का वैल्यू लेकिन ये आ रहा है, और इसको मान लेते हैं कि ये बाहर में जो मैग्नेटिक फील्ड निकाले, दिस इज सपोज B2, क्यों बाहर में B2 ले रहे हैं, बिकॉज हम लोग इंटीरियर से इसका क्रॉस सेक्शन से ग्रेजुअली क्रॉस सेक्शन के बाहर में चला जा रहे हैं, तो जो क्रॉस सेक्शन के जब बाहर में चला जा रहे हैं तो इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं B2 लिख रहा हूं, ठीक है, फील्ड होता है ग्रेविटेशनल फील्ड, तो द कर्व विल बी लाइक दिस, that will be like this,
तो ये डिस्टेंस हम लोग का एक्चुअली आर है, तो ये आर है। तो अभी इससे पता चलता है कि सेंटर ऑफ द कंडक्टर से उसका रेडियस तक जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज एक्चुअली ए स्ट्रेट लाइन ग्रेजुअली इंक्रीजिंग प्रोपोर्शनली इंक्रीजिंग। सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो, रेडियस में एकदम जो सर्कमफेरेंस है उसमें मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, फिर उसका सर्कमफेरेंस से जैसे हम लोग बाहर चले जा रहे हैं एक वायर का, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लेकिन ग्रेजुअली डिक्रीज करते हुए जा रहा है, ठीक है। तो एम्पियर ने क्या किया कि अभी पहले हम लोग लेकिन पहले क्या किए कि वायर का बाहर में कैसे इफेक्ट होगा ये हम लोग को पता चला, लेकिन अभी और थोड़ा सा फाइन मतलब फाइन वे से ये पता चला कि हम लोग जो रिलेशन लिखते हैं कि म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर, तो ये आर का कैलकुलेशन एक्चुअली कहाँ से है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंडक्टर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंडक्टर। ये आर लेकिन ऐसा नहीं है कि दिस इज एन इनफाइनाइट कंडक्टर और यहाँ से आर डिस्टेंस, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बोले ठीक है इधर आई जा रहा है, सो द मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर। अब कोई अगर पूछे तुमको ये जो आर है कहाँ पे है, यहाँ से है कि इसका सेंटर से है, तो अभी हम लोग बोल सकेंगे कि वायर का एकदम जो कंडक्टर है कंडक्टर का एकदम सेंटर से ये पॉइंट तक का डिस्टेंस है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखें कि कंडक्टर का सेंटर से कंडक्टर का सरफेस तक इतना छोटा कंडक्टर, लेकिन उसी में उसका सेंटर से उसका जो सरफेस है वहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड लेकिन इस तरह से बढ़ रहा है ग्रेजुअली, और जब भी हम लोग कंडक्टर का सरफेस को छोड़ के बाहर में चले आ रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ग्रेजुअली डिक्रीज करते रहेगा। तो ये चीज तो लेकिन स्कूल में भी ये प्रूव करने के लिए देता है, ठीक है, कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, तो मतलब क्रॉस सेक्शन के साथ कैसे मैग्नेटिक फील्ड इसका चेंज हो रहा है, तो वी विल ड्रॉ दिस का। तो ये कार्व का देखो, ये लेकिन हम लोग का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है तो उसके साथ इसका मील है ना। अर्थ का सेंटर में अगर देखा जाए तो ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो, फिर धीरे धीरे अगर अर्थ का सरफेस में चढ़ते हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज मैक्सिमम, ग्रेविटेशनल फील्ड, और फिर अर्थ का ऊपर में जितना चढ़ते जाएंगे उतना ग्रेजुअली फिर फील्ड डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो काफी सिमिलरिटी है ग्रेविटेशन से, इसमें भी काफी सिमिलरिटी है, ओके। तो एम्पियर लूप का एक खासियत क्या है कि जस्ट लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये चीज समझ में आया होगा, अगर जो भी देख रहे हो अगर समझ में आया तो मुझे बीच बीच में एक तो वाई लिख के भी, हाँ वाई लिखने से मुझे पता चलेगा कि ठीक है समझ में आया है, ओके ओके। সুপ্রিতটা মনে হচ্ছে শুয়ে পড়েছে, রাত্রে ঘুমোতে পারেনি গরমে বেচারা, ওই জন্য শুয়ে পড়েছে সকালে। ঠিক আছে পরে দেখে নেবে, শুরু যখন করে দিয়েছি তখন। আচ্ছা জেসে আমলোক एक पोर्शन को अगर टोटली खोखला कर दिया जाए, ठीक है, तो करना भी काफी मुश्किल है, लेकिन मान लो कि पूरा इसको मतलब एकदम ड्रिल करके उसका मटेरियल को उठा दिया गया, तो अभी ऐसा रहेगा तो हम लोग का कैलकुलेशन में मुश्किल होगा। तो ये जस्ट समझाने के लिए, तो ये कि इसमें यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा इस जगह में, और बेटर टू से इस जगह में क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा। कहते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसे कोई लूप नहीं है, मतलब कोई ड्रिल किया हुआ कोई पोर्शन नहीं है, तो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट पी, ये अगर निकालते हैं, सो मैग्नेटिक फील्ड एट पी विल बी दिस इनटू आर वन वेक्टर, ये चीज आएगा। लेकिन इस पोर्शन को अगर अलग करके ऐसे बनाते हैं हम लोग, तो फिर यहाँ से यहाँ तक, तो ये एक तो छोटा लूप है, लेकिन इसमें करंट क्या है, इसमें करंट लेकिन मेरे तरफ है, जैसे मैं बताया कि इस पोर्शन को अगर ड्रिल करके बाहर में लाया जाए तो इसमें आई जो है वो लेकिन मानना पड़ेगा कि वो मेरे तरफ है, बिकॉज एक्चुअली इस जगह में कोई करंट नहीं है। करंट इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा माना जा सकता है कि टोटल एरिया में करंट नीचे की तरफ है,
और एक तो स्मॉल पोर्शन इसमें है, ऐसा पोर्शन है जिसमें इक्वल अमाउंट ऑफ करंट लेकिन आउट ऑफ द पेज है, हाँ नॉट सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन उसी तरह का आर वेक्टर से रिलेशन ये रखता है। अब यहां से ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये वेक्टर को हम लोग ऐसे ले रहे हैं, ये वाला वेक्टर जो है, तो ये वाला वेक्टर को हम लोग लिखते हैं दिस इज से आर थ्री, तो ये आर थ्री है। तो यहां से ये जो पॉइंट है पी, दिस पॉइंट इज पी, सो दिस इज एक्चुअली आर थ्री। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा अगर देखेंगे, तो यहाँ पे इसमें जो आ रहा है कि इसके इसके हिसाब से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है फॉर दिस स्मॉल लूप, लेकिन करंट इसमें जो डायरेक्शन में जा रहा था इसमें उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो दैट मीन्स इट विल बी माइनस के आर थ्री वेक्टर। और इसमें भी एक तो सॉलिड कंडक्टर मान के कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये इसके अंदर में घुसाया हुआ है, तो दोनों का सुपर इम्पोजिशन में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा दैट विल बी एक्चुअली दिस प्लस दिस, ये दोनों का एडिशन, सुपर इम्पोज मतलब एडिशन होगा। तो एक तो है के आर वन वेक्टर और एक तो है माइनस के आर थ्री वेक्टर, इट विल बी के इंटू आर वन वेक्टर माइनस आर थ्री वेक्टर, ट्रायंगल रूल आर टू वेक्टर प्लस आर थ्री वेक्टर इक्वल टू आर वन वेक्टर, ये चीज तो होगा। तो आर टू वेक्टर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू आर वन वेक्टर माइनस आर थ्री वेक्टर, ठीक है। ट्रायंगल रूल क्या बोलता है कि दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू दिस, यहाँ पे आर वन माइनस आर थ्री वेक्टर दैट विल एक्चुअली के आर टू वेक्टर। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि दोनों का सुपर इम्पोजिशन में, दोनों का सुपर इम्पोजिशन जब कर दे रहे हैं तो एक्चुअली इस हॉलो पोर्शन का सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट पी, कि पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉन्टेन्स करेंट आई, एक्चुअली आई करेंट अभी जो है ये करेंट, लेकिन ये हॉलो पोर्शन में लेकिन नहीं है करेंट। तो इसका मतलब कितना सरफेस एरिया में करेंट है, पाई इंटू ये कैपिटल आर है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, तो दिस मच कॉन्टेन्स करेंट आई एंड वी वॉन्ट करेंट इन दिस रीजन, दैट मीन्स पाई बी स्क्वायर में करेंट कितना है ये हम लोग को चाहिए। तो वन यूनिट कॉन्टेन्स आई बाई पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हम लोग को ये चाहिए कि पाई बी स्क्वायर कॉन्टेन्स I इंटू पाई बी स्क्वायर बाई पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो इन दिस केस दिस विल बी करंट इनपुट। अब P में चाहिए तो P में हम लोग को निकालने का जरूरत नहीं है, B में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, उसका सरफेस एरिया बोल रहे हैं, उसका लेंथ, तो उसका लेंथ हो जाएगा 2πB, 2 पाई आर हो गया ये 2 पाई बी, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू करंट इनक्लोज विद इन दिस पोर्शन, तो करंट इनक्लोज विद इन दिस पोर्शन इज दिस वन, दैट इज आई बी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये एक टू बी कैंसिल हो गया, तो दैट विल गिव आवर मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज, यहां लिखेंगे तो दिखाई पड़ेगा, हाँ B इक्वल टू म्यू नॉट आई बी बाई टू पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहां पे देखो, अगर हम लोग यहां पे कोई एक तो छोटा सा लेंथ लेते हैं, से वी टेक लेंथ ओनली ए लेंथ, एज बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक इन दिस वे एंड दिस वे। अब चीज तो सोचिए कि एम्पियर ने क्या बोला कि मेरा जो लूप है, मेरा जो लूप आपको लेना पड़ेगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियली होना चाहिए। तो ओके, वी आर टेकिंग दिस स्मॉल लेंथ एंड दैट लेंथ इज एच, इसको एच पकड़ा जाता है, ये जो स्मॉल लेंथ है दैट इज टेकन एज एच। तो ये एच लेंथ में अगर तुम देखोगे तो कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड तुमको जो मिलेगा दैट इज इसी लाइन के ऊपर इस तरह से लाई कर रहा है, सो दैट इज
टेंजेंशियल टू दिस लाइन। यहाँ पे लेकिन मैग्नेट करंट जो है, करंट लेकिन ऊपर की तरफ आ रहा है, सो दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ऑल्सो अगर इस लाइन को मैं नीचे पकड़ता हूं यहाँ पे, सो दैट इज ऑल्सो इसमें जो मैग्नेटिक करंट जो है, करंट लेकिन इस लाइन का परपेंडिकुलरली इसको कट कर रहा है। तो एम्पियर ने जो बोला था कि मेरा लूप का जो सर्कमफेरेंस है, लूप का जो एरिया होगा या सर्कमफेरेंस होगा, उस एरिया के थ्रू से करंट जो है वो परपेंडिकुलरली कट करना चाहिए, तो वो कर रहा है। ठीक है, हम लोग लेकिन एक ही तो लेंथ लिए, लेकिन यहाँ पे समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये गोल गोल भी हुआ तो भी लेकिन इस लाइन के रिस्पेक्ट में, लेकिन वो जो करंट जो है वो करंट लेकिन परपेंडिकुलर है। सोच के देखिए, और जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज टेंजेंशियल है, क्योंकि यही इसी दिस इज द लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो एन हो गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और इसमें जो करंट जा रहा है दैट इज आई, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज से आई, ये करंट है आई। बी डॉट डीएल है, तो बी के साथ जो एच का एंगल है वो 0 डिग्री है, ये हमेशा होना चाहिए, तो इसलिए बी डॉट डीएल जब कर रहे हैं तो बी एस कॉस, तो बी एच कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो ये तो सही है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली करंट भी इसके साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए, दैट इज अनदर कंडीशन व्हिच इज एग्जैक्टली नॉट हैपनिंग हेयर, बट स्टिल वी हैव टू टेक लाइक दिस। ओके, अब उसके बाद क्या लेना पड़ेगा कि म्यू नॉट इन टू करेंट इनपुल्स। अब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में करंट नंबर ऑफ टर्न्स अगर स्मॉल एन होता है तो एच लेंथ में कितना नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा, एन टाइम्स एच, तो एन टाइम्स एच इंटू आई, आई इज द करंट, तो यहां पे कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, दैट नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट, सो दैट इज एक्चुअली करंट इनक्लोज विद इन दिस एच, जो ये वाला जो लेंथ है इस लेंथ के अंदर में कितना करंट इनक्लोज है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो गया, एन एच, क्योंकि एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में है, तो एच लेंथ में हो जाएगा एन एच और करंट है आई, तो एन एच इंटू आई दैट इज एक्चुअली करंट एनक्लोज विद इन दिस एच लेंथ जो है दैट इज इक्वल टू एन एच आई। तो खैर जो भी हो, इसमें हो गया क्या, एच एच कैंसिल हो गया, तो उन्होंने बता दिया बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। सो दिस इज वन ऑफ द यूज ऑफ एम्पिरियल लूप। इसमें कोई संदेह है तो तुम पूछ सकते हो। तो ये वाला लेंथ हम लोग ले रहे हैं क्या, एक्स के बाद एक तो स्मॉल थिकनेस यहाँ पे लेना जरूरी है, दैट इज से डी एक्स। तो ये डी एक्स जो थिकनेस लिए, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा, एन टाइम्स डी एक्स, क्योंकि एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स हो गया एन डी एक्स, तो एक्चुअली यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स एन टाइम्स डी एक्स हो गया, सो दिस मच ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इज प्रेजेंट हियर, तो ये आ गया। तो हम लोग जानते हैं कि एक सर्कुलर लूप का एक्सिस में एट ए डिस्टेंस एक्स जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, यहाँ पे स्मॉल आर स्क्वायर होगा, बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ओनली वन टर्न, लेकिन हाँ ये ओनली वन टर्न के लिए है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2, ये फॉर्मूला होता है हम लोग का ऑन द एक्सिस एट ए डिस्टेंस एक्स। लेकिन यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है वह है इंटू एन डी एक्स, सो दिस इज द थिंग आर बाई एक्स इक्वल टू टेन थीटा, आर बाई एक्स इक्वल टू टेन थीटा। तो एक्स का वैल्यू चाहिए हम लोग को, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा आर कॉट थीटा, एक्स का वैल्यू हो गया आर कॉट थीटा, तो डी एक्स हो जाएगा माइनस आर कोसेक्स पर थीटा डी थीटा। अभी
ये तो समझ में आएगा बिकॉज अभी हम लोग सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं तो ये चीज समझ में आएगा। ठीक है, तो बचा क्या, देखिए यहाँ पे बचा म्यू नॉट एन आई बाई टू, म्यू नॉट एन आई बाई टू, एक तो सामने माइनस और कोसेक स्क्वायर थीटा, नीचे कोसेक क्यूब थीटा, नीचे कोसेक थीटा बचेगा, ऊपर उठेगा तो साइन थीटा डी थीटा। म्यू नॉट एन आई बाई टू एंड इंटीग्रेशन फाइव डैस से लेके फाइव टू, साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है लेकिन माइनस कॉस थीटा, तो ये जो माइनस है ये चला गया, तो इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई टू एंड देन माइनस कॉस थीटा जब बैठेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस फाइव टू, कॉस फाइव टू माइनस कॉस फाइव डैश प्लस फाइव वन इक्वल टू 180 डिग्री, तो फाइव डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस फाइव वन। अब हम लोग को कॉस फाइव डैश चाहिए, तो कॉस फाइव डैश इक्वल टू कॉस 180 माइनस फाइव वन, कॉस 180 माइनस फाइव वन क्या हो जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, सो दिस विल बी माइनस कॉस फाइव वन। नाउ इट इज वेरी इजी टू फाइंड कॉस फाइव वन एंड कॉस फाइव टू, कैसे, बिकॉज कॉस का मतलब है, मतलब दिस लेंथ विल बी गिवन कि म्यू नॉट एन आई बाई टू, ये तो बाहर में आएगा, तो कॉस फाइव कॉस फाइव, तो दिस विल बी टू कॉस फाइव, है ना, कॉस फाइव प्लस कॉस फाइव टू कॉस फाइव। लेकिन अगर ये कॉस फाइव का वैल्यू मेरा वन हुआ, कॉस फाइव का वैल्यू अगर वन हुआ तो देन बी विल बी म्यू नॉट एन आई। अब कॉस फाइव का वैल्यू वन किस किस तरह से हो सकता है, लेकिन यहां पे क्या आ जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई टू। नाउ कॉस फाइव वन, कॉस फाइव वन मीन्स इसका कॉस, दैट विल बी इक्वल टू बेस बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दिस इज तो यहां पे अगर हम लोग एल स्क्वायर को अगर कॉमन लेके बाहर भी करते हैं तो चीज तो क्या आ जाएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई टू, या फिर आर को अगर जीरो भी पकड़ लेते हैं, इफ वी कंसीडर आर इक्वल टू जीरो, देन ऑल्सो यू विल गेट एल बाई एल, सो यू विल गेट म्यू नॉट एन आई बाई टू। तो इसका मतलब कि म्यू नॉट एन आई बाकी सब जगह में चलो माना जा सकता है इफ वी कंसीडर आर इक्वल टू जीरो, बट दिस एक्सट्रीम जो कॉर्नर है जिसमें एंड इफेक्ट है उसमें लेकिन मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई बाई टू हो जा रहा है। अब आर टेंस टू जीरो पकड़ो या जीरो पकड़ लो तो भी ये आएगा रिजल्ट। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, सेंटर में म्यू नॉट एन आई चलो मान लिए म्यू नॉट एन आई है बिकॉज आर इज जीरो, लेकिन जैसे जैसे तुम एंड की तरफ जाते जाओगे तो योर मैग्नेटिक फील्ड विल ग्रेजुअली डिक्रीज एंड लास्ट में इफ यू टेक आर इक्वल टू जीरो देन ऑल्सो द रिजल्ट इज म्यू नॉट एन आई बाई टू, दैट मीन्स एग्जैक्टली द हाफ दैट ऑफ द मिड पॉइंट। स्क्वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये इस तरह से घूमेगा, लेकिन नियर बाई जो वायर है वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड फिर ऐसे जाएगा, तो इसका जहां पे नीचे जाने का कोशिश कर रहा है वो यहां पे फिर ऊपर उठ के फिर इसका नीचे जाने का कोशिश कर रहा है इस साइड में, फिर ये जब नीचे जाने का कोशिश कर रहा है इधर से तो और एक वायर है तो वो फिर इधर से ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली क्या चीज तो हो रहा है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इधर नीचे जाने का कोशिश कर रहा है एंड वी नो दैट कि मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कट नहीं करता, तो ये नीचे जाने का कोशिश करेगा लेकिन ये ऊपर में उसको धक्का देगा, एज अ रिजल्ट देयर विल बी नो मैग्नेटिक फील्ड हेयर, सिमिलरली नो मैग्नेटिक फील्ड हेयर। सो अब इसको अगर बहुत कॉम्प्रेस कर देते हैं, इस वायर को बहुत कॉम्प्रेस कर देते हैं, सो अब कितना भी हाइट में चले जाए
so the magnetic field will be like this. So almost it is a similarly नीचे की तरफ अगर देखा जाए तो दिस विल बी एक्चुअली द मैग्नेटिक लाइन्स. ये समझ में आया? देखो चीज तो ऊपर में एक तो लेंथ h एंड साइमल्टेनियसली अभी लेकिन नीचे में भी एक तो लेंथ h लेना पड़ेगा. सेम लेंथ h लेना पड़ेगा. अब क्यों? क्योंकि इधर भी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है. सो दैट्स व्हाई ऊपर नीचे दोनों तरफ एच एच. ठीक है, तो ये लेंथ उन्होंने ले लिया. एज बिकॉज दिस इज ए सीट, इसको वायर की तरह बनाए हैं लेकिन दिस इज ए सीट, बेसिकली इट इज ए सीट. इसका जो करंट, याद रखो ये सीट है लेकिन इस सीट में करंट हम लोग कैसे ले रहे हैं? करंट ले रहे हैं लेकिन करंट पर यूनिट लेंथ. ठीक है, करंट पर यूनिट सरफेस एरिया नहीं, करंट पर यूनिट लेंथ. तो करंट पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू के एम्पियर पर मीटर. तो अगर करंट पर यूनिट लेंथ उसका के एम्पियर पर मीटर होता है तो एच लेंथ में जो करंट एनक्लोज्ड होगा, आई एनक्लोज्ड, दैट विल बी इक्वल टू के इनटू एच. अब एम्पियर का फॉर्मूला अगर लगाते हैं, एम्पियर का फॉर्मूला है बी इनटू एम्पिरियन लूप का लाइन इंटीग्रल. तो यहां पे दो एच है तो दो एच इक्वल टू टू एच इक्वल टू म्यू नॉट इनटू करंट एनक्लोज्ड. करंट एनक्लोज्ड इज के एच. तो एच एच हो गया कैंसिल, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट के बाई टू. ठीक है, तो हर एक पॉइंट में टेंजेंट उसका डायरेक्शन होगा लेकिन इट इज ग्रेजुअली बेंडिंग. तो इट इज सर्कुलर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बट वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. लेकिन क्या बता रहे हैं देखो कि बी वन एंड बी टू मतलब इस टॉरॉयड के अंदर में और बाहर में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा. तो बी वन इक्वल टू बी टू इक्वल टू जीरो. और जो बी होगा एकदम इसका एक्सिस में सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज म्यू नॉट एन आई. एन मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. एंड दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर. कोशिश है इससे. ठीक है, इसका जो फोर्स है दिस विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर. अब ये सर्कुलर मोशन अगर मेंटेन करना चाहेगा तो ये पार्टिकल का अगर मास कुछ तो होना चाहिए, एम होना चाहिए, कुछ भारी पार्टिकल होना चाहिए. एकदम इलेक्ट्रॉन वगैरह होगा तो घुमाना थोड़ा मुश्किल है. तो अल्फा पार्टिकल जनरली इस तरह का पार्टिकल लिया जाता है जिसमें थोड़ा चार्ज भी है, अच्छा मास भी है. ठीक है, तो जब ये घूमेगा तो घूमने का समय क्या होता है सर्कुलर मोशन में, देयर विल बी ए स्यूडो फोर्स. तो अगर मान लेते हैं कि ये जो रेडियस बना रहा है इस समय, जो रेडियस बना रहा है घूमने का समय, वो रेडियस अगर आर हुआ फोर्स जो एक तो प्रोड्यूस हो रहा है स्यूडो फोर्स दैट विल बी एमवी स्क्वायर बाय आर. सो दिस फोर्स इज बैलेंस्ड बाय दिस फोर्स एफ. ठीक है, तो लॉरेंज ने बताया कि ये जो फोर्स प्रोड्यूस होगा टुवर्ड्स द सेंटर, तो दिस फोर्स इक्वल टू क्यू इनटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. इट इज एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट और v क्रॉस b. सो दैट्स वाई हम लोग को ये थ्री डायमेंशनल मतलब लेफ्ट हैंड रूल लग रहा है. लेफ्ट हैंड रूल कब लग रहा है? बिकॉज जहां पे क्रॉस प्रोडक्ट है लेफ्ट हैंड रूल लग जाता है. ठीक है, मतलब दिस इज वेलोसिटी और इसका परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड. तो ना तो वेलोसिटी के तरफ उसको फोर्स मिलेगा ना ही मैग्नेटिक फील्ड के तरफ फोर्स मिलेगा. द फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ. तो थीटा कौन सा एंगल है? v और b के बीच में जो एंगल है. तो वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, इस केस में देखा जा रहा है कि जो वेलोसिटी है मैक्सिमम केस में ये होगा, नॉट मैक्सिमम केस,
इन ऑल केसेस, ऑल केसेस में ही तुम देखोगे कि वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड विल बी 90 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग का जितना भी प्रॉब्लम है उसमें हमेशा जो वेलोसिटी है दिस विल बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो एज ए रिजल्ट ये जो साइन थीटा है इट विल बी साइन 90 डिग्री, इट विल बी क्यू डी बी एक्चुअली ये जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है दिस इज इक्वल टू क्यू इंटू वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से एक टू भी, यहां से एक टू भी कैंसिल हो जाएगा। तो वी आर इंटरेस्टेड मेनली, वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द रेडियस। तो दिस आर विल बी इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी।